शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती है। इस दौरान उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब देते हुए कहा कि जज संविधान के सिपाही हैं। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा, लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर काम करते हैं जैसा कि इसकी व्याख्या की जाती है। आज कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सभी जज संविधान के सिपाही हैं, जबकि लोगों का हित सिर्फ जनहित याचिका से नहीं होता बल्कि इस बात से होता है कि न्याय तक सभी की पहुँच हो। कॉलेजियम सिस्टम पर जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान ऐसे समय में आया जब कानून मंत्री किरण रिजिजू वहां मौजूद थे। गौरतलब है रिजिजू कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताया था। वही कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा, सबसे योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कॉलेजियम जानता हो। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायपालिका में अच्छे लोगों को लाने और उन्हें उच्च वेतन देने से कॉलेजियम सिस्टम में सुधार नहीं होगा। अच्छे वकीलों को न्यायपालिका में प्रवेश दिलाना केवल कॉलेजियम में सुधार करने का कार्य नहीं है। न्यायाधीश बनाना इससे जुड़ा नहीं है कि कितना वेतन आप न्यायाधीशों को देते हैं। वहीं संविधान के बारे में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान का सही से काम करना इस बात पर निर्भर करता है कि जिला न्यायपालिका कैसे काम करती है। जब हम संविधान का जश्न मनाते हैं तो हमें संविधान को अपनाने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।